हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। और आज की वीडियो में हम गाइस जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसके बारे में आपको पता वीडियो का थंबनेल देखकर ही लग गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 BAMS कॉलेज है उनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत हर एक कॉलेज के बारे में हम देखेंगे कि इसमें एडमिशन जो है वो किस तरह से होता है, इसके अलावा इसमें एलोटेड कोर्स जो है वो आईएएस के द्वारा कौन कौन से जो है वो एलोटेड किए गए हैं, और उसके अलावा इसमें जो है वो नीट PG और नीट UG की जो है सीटें कौन कौन सी बताई गई है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज टॉप 10 जो BAMS आयुर्वेदिक कॉलेज है उनमें हमारे पास में टॉप 10 में 10 नंबर का जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें एडमिशन जो है वो नीट UG के द्वारा ही आपको होगा। एलोटेड कोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें BAMS UG PG PhD और आयुर्वेदा नर्सिंग, उसके अलावा जो फार्मासिस्ट है, ये सारे कोर्स इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें अगर सीट्स की बात करते हैं तो सीट जो है इसमें आपके पास में टोटल 75 सीट जो है वो नीट मतलब BAMS UG के लिए है, और MD के लिए जो आपके पास में 11 सीट है। उसके बाद में गाइज 9th नंबर के कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेंगलोर जो कि कर्नाटका में स्थित है, इसमें भी एडमिशन नीट के द्वारा ही होगा। एलोटेड कोर्स जो है BAMS UG PG और PhD इसके द्वारा कराए जाते हैं। सीट्स की अगर अपन बात करते हैं तो BAMS UG के लिए यहाँ पर आपको 99 मतलब अप्रोक्स 100 सीट जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलावा अगर अपन PG की बात करें तो PG में यहाँ पर आपको जो है 40 सीट मिलती है। उसके बाद में 8 नंबर के कॉलेज की बात करते हैं वो है आर्य पोदार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बम्बई महाराष्ट्र। एलोटेड कोर्स की बात करते हैं तो एलोटेड कोर्स जो है वो BAMS UG PG और PhD होती है। उसके अलावा इसमें अगर एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन जो इसमें आपके पास में नीट UG के द्वारा ही होता है। उसके बाद सीट्स की बात करते हैं तो UG के लिए आपको टोटल 60 सीट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। उसके अलावा PG के लिए 20 से 25 है, फ्रीक्वेंट जो 20 से 25 मतलब ये चेंज होती रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एक दो हो जाती है ना, अलग अलग जो है वो ईयर वाइज जो है वो चेंज होती रहती है। PhD की बात करते हैं तो इसमें 2 जो है वो सीट होती है हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद 7वें नंबर का कॉलेज है हमारे पास में वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जो कि राजस्थान की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है और ये जोधपुर में स्थित है। इसकी अगर अपन एडमिशन की बात करते हो, एडमिशन आपको नीट UG के द्वारा ही होगा। एलोटेड कोर्स की बात करते हो तो BAMS UG PG PhD और अदर जो छोटे कोर्स होते हैं जैसे कि जो है वो आयुर्वेदा के अंदर नर्सिंग और आयुर्वेदा डिप्लोमा हो गया, ये सारे भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसकी अगर अपन बात करते हैं सीट की तो सीट जो है इसमें UG की सीट जो है वो 125 है। उसके बाद में अगर अपन 6वें नंबर के कॉलेज की बात करते हैं तो 6वें नंबर का जो कॉलेज है वो है मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एलोटेड जो कोर्स है उसमें BAMS UG है, PG है और PhD है। उसके अलावा सीट में जो है वो सीट BAMS UG के आपके पास में 62 सीट है और PG की जो है वो चेंज होती रहती है हर साल, तो कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी है टोटल, लेकिन है सही, ठीक है। उसके बाद में 5वें नंबर का जो कॉलेज है वो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली, और इसको अपन CBPSCS दिल्ली भी बोलते हैं। उसके अलावा इसमें एलोटेड कोर्स की बात करते हैं तो वो है BAMS UG PG और PhD, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन सीट की बात करते हैं तो सीट जो है वो UG के अंदर आपको 100 सीट जो है वो यहाँ पर दी जाती है, और उसके अलावा PG कोर्स में जो है सिलेक्शन के लिए आपको 29 सीटें प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद 4वें नंबर के कॉलेज की बात करते हैं तो वो है तिब्बिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब गवर्नमेंट तिब्बिया जो कॉलेज है इसके द्वारा आपको आयुर्वेदा और यूनानी दोनों तरह के जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाए जाते हैं, मतलब आपको यहाँ पर BAMS और BUMS दोनों करने का मौका मिलता है। अब अगर इसमें अपन BAMS की बात करें तो BAMS के लिए आपको यहाँ पर UG PG और PhD तीन तरह के कोर्स जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें अगर अपन UG की बात करते हैं तो 75 से 77 सीटें आपको जो है UG में यहाँ पर मिलती है, PG में 10 है, और उसके अलावा PhD की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 सीटें आपको मतलब प्रोवाइड कराई जाती है। अब गाइस जो टॉप 10 की हमारी लिस्ट थी उसमें 10वें नंबर से लेकर के 4th नंबर तक की जो कॉलेज हमने बताई है उस कॉलेज के अंतर्गत ये सारी के कॉलेज या तो अपने स्टेट की जो है बेस्ट कॉलेज है या फिर जो है वो स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो टॉप 3 के अंदर आने वाली है वो ऑल ओवर इंडिया की वो कॉलेजेस है, वो यूनिवर्सिटीज़ है जो कि टॉप 3 के अंतर्गत है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेन रूप से। तो इसमें अगर अपन 3रे नंबर के कॉलेज की बात करते हैं वो है 3रे नंबर का जो कॉलेज है वो है हमारे पास में IPGT RA जामनगर, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये PG के लिए जो है मुख्य रूप से कॉलेज है। यहाँ पर आपको UG कोर्स UG जो है कराई नहीं जाती, मतलब आपको यहाँ पर PG में जो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं 2nd नंबर की तो 2nd नंबर पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन जो है नीट UG के द्वारा आपको यहाँ पर होगा, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो एलोटेड कोर्स है वो एलोटेड कोर्स यहाँ पर BAMS UG है, PG है और PhD है।
उसके अलावा सीट की अगर अपन बात करें, सीट जो है यूजी में आपको 77 सीट जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद में फर्स्ट नंबर के कॉलेज की बात करते हैं, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है, और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब अगर इसमें एलोटेड कोर्स की बात करते हैं, तो एलोटेड कोर्स जो है यहाँ पे बीएमएस यूजी आपको कराई जाती है, पीजी करने का आपको मौका मिलता है पीएचडी का, और उसके अलावा आयुर्वेदा के अंदर जो है वो फार्मासिस्ट, आयुर्वेदा नर्सिंग, और उसके अलावा जो छोटे मोटे डिप्लोमा होते हैं वो सारे भी यहाँ पर आपको करने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें अगर अपन सीट की बात करते हैं, सीट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो यूजी की सीट है, मतलब बीएमएस यूजी की जो सीट है, वो सबसे ज़्यादा पूरी ऑल ओवर इंडिया में जो जितनी भी कॉलेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर सीट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो एनआईए जयपुर में है, जो कि 125 सीट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। उसके अलावा अगर अपन सीट पीजी की बात करते हैं, तो पीजी के जो है 130 सीट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि पीजी के अंदर भी सबसे ज़्यादा सीट आपको यहाँ पर मिलती है। तो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया टॉप 10 बीएमएस आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में।